टूर्नामेंट रहा है, हर साल होता है। मुझे अच्छी लग रही है। वेलकम दोस्तों। तो बाजाबाई में चल रही थी डिक्सन बाल की टूर्नामेंट, हम पहुंच चुके हैं फाइनल। तो आज जो हमारा फाइनल मैच है बाजाबाई में, और दूसरी टीम जो बाजाबाई की फ्रेंड्स 11 पहुंची हुई है, हमारी टीम है डोगरा। तो हमारा जो क्वार्टर फाइनल मैच था बहुत तगड़ा मैच हुआ था रजौरी के साथ, तो वो हम जीत गए थे। उसके बाद ब्लू स्टार के साथ मैच हुआ था, वो भी हम जीत गए थे। तो आज जो हमारा फाइनल मैच होने जा रहा है, ये इधर आर्मी के गेस्ट आएंगे, यहाँ ट्रॉफी है। आ भाई अतुल तैयार है फिर फाइनल खेल। टाइगर पहुंच चुके हैं सीधा फाइनल खेलने के लिए। इसी आखना आखदा कहना सुनना कहना ओए कहना रवि राय सर ने गफे देते तो आया मैं, पहले दादा मैं दे उड़ता रास्ते च। ए पिच जो मैंने तैयार की है, बहुत मेहनत की है इस पिच पे, जो पिच है जरूरी है स्कूल की। ये हमारे कैप्टन राघव स्ट्रेचिंग करते हुए, इनको तो आप जानते ही होंगे, नाम ही काफ़ी है राघव। ये पंडित जी आ चुके हैं, और भारत पब्लिक स्कूल के बच्चे आ चुके हैं। ये है फ्रेंड्स 11 बाजाबाई की टीम। ये है डोगरा क्रिकेट क्लब के प्लेयर्स, अक्षित राघव। तो उनसे आग्रह है कि जोरदार क्लैपिंग करके उनका स्वागत करना, और तीन तारे हम स्वागत करते हैं। जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमीन अफसोस नहीं, दर्द से महफूज रहूं तेरी आन सदा चल जाए, रहे न रहे मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। वेलकम टू, सभी बच्चे खड़े रहेंगे बिलाव। इससे पहले कि हम इस टूर्नामेंट 11 फ्रेंड्स क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट की फाइनल की प्रोसीजिंग आगे बढ़ाए, सबसे पहले हम नेशनल एंथम करेंगे, उसके बाद आगे वाली मिट्टी में जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की यार। हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से और स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। कुल इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की यार। तेरी नदी नब्बे छक्के, खूबसूरत बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी आज भी। इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीमें जो है वो आज उनका मुकाबला आप देखेंगे। उद्घाटन करने जा रहे हैं।
सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि शानदार और जानदार तरीके से संदेश से घर कब आओगे घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब तुम बिन ये घर सूना सूना है अब गाओ अटैक बताओ सर किसी दिल में आइटम और दे देंगे धीरे वाले खत लिखा है ये हमसे पूछा किसी के सांसों ने किसी की चूड़ी ने किसी के कंगन ने किसी के गजरे ने किसी के गजरे ब्ला नहीं है कर जहाँ से खिला ब्ला क्या जाने दी आज नहीं है तुझे दोनों कप्ते मेरे साथ जुड़े हैं दोनों टीम के कप्ते मेरे साथ जुड़े हैं भाई उधर जोड़ना चाहिए क्या करा जोड़ना ओ जोड़ उधर ए हां यार लवली मां तुम्हें मां जोड़ उधर इसी जोड़ो जी लिखो कब आओगे राजा टॉस जीता आपने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया फाइनल मैच है प्रेशर वाले मैच है जैसे कि आपने देखा टूर्नामेंट में बड़े लो स्कोर गए हैं हाई स्कोर भी गए तो आज के मैच किस तरह देखेंगे किस तरह की टीम है किस तरह की प्रिपरेशन आपकी सर फाइनल का प्रेशर है उसकी वजह से हमने पहले बैटिंग ली है क्योंकि बाद में बैटिंग करना थोड़ी टफ हो जाएगा फाइनल मैच है प्रेशर होता है इसलिए हमने उसकी सबसे पहले बैटिंग ली तो किस तरह की प्रिपरेशन है स्ट्रेटजी कैसे दे रही है स्ट्रेटजी सर हमने ज़्यादा सिंपली रखने की कोशिश की हमने ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फाइनल खेल रहे हैं हम बैक टू बैक तीसरा फाइनल खेल रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं सीधे एज ए सिंपल मैच खेल रहे हैं बाकी फाइनल खेल रहे बिल्कुल सिंपल मैच थैंक यू वेरी मच मिस्टर सौरभ शर्मा टॉस जीतते तो क्या करते हैं आप बल्लेबाजी करते हैं या गेंदबाजी करते हैं जी हाँ सर हम भी पहले बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं अगर टॉस जीते तो अनफॉर्चुनेट रहा कि टॉस हम नहीं जीत पाए लेकिन कोशिश करेंगे सर कम से कम उसको रनोबेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की दूसरी टीम का पोजीशन को क्योंकि सर यहाँ आपने भी बड़े सारे मैचेस देखे होंगे और आज खासकर सर फाइनल का प्रेशर है ये बिल्कुल ठीक है कि चेंज करने का प्रेशर रहेगा लेकिन हम ज़्यादा प्रेशर ना लेते हुए अपने मैच गेम खेलेंगे तो दोनों टीमों को दोनों कैप्टन्स को मैं बेस्ट विशेस कहूंगा इस फाइनल मैच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिस इज द न्यूज फ्रॉम द सेंटर टोगरा क्रिकेट क्लब वन द टॉस एंड इलेक्ट टू बैट फर्स्ट और जब Thank you.
माटी एक बार पे अब मैं चलूंगा एक बार फिर आर्न स्कूल के पास बच्चों के पास माहौल क्रिकेट का काम करती हूँ वह हर समय एक खुशी का माहौल रहता है। इसी के साथ मैं एक बार फिर आर्न स्कूल के पास पहुंचा हूँ। इस बार निकाल दिया गेंद पॉइंट क्षेत्र में एक रन नहीं 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 इतना बाप हाँ 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 बोलिए बोलिए बोलो इस ताली की चाबी उस ताली की चाबी ये चाबी और केवल भाई भाई का ठीक ठीक है तक मैं हमारा जो मानी भाई की थी उनके पास जाएंगे हम बातचीत करेंगे चलो जी मारेंगे जैक्सन तू ही कर इधर ही राजवीर तू ही कर नहीं है नहीं है लेकिन गोरा तू लगा इसी बीच चलती
रवि जी क्या हाल चाल है आपके, कैसा लग रहा है मैच देख के? आए तो आप अभी हो, कितने ओवर देखे? चार पांच ओवर देखे। क्या विचार है आपका डोगरा टीम के बारे में? तो आपने इस बार टूर्नामेंट में क्यों नहीं टीम एंटर करवाई? चलो होप करते हैं आगे वाली टूर्नामेंट में आप जरूर एंटर करेंगे। आपकी शादी है? हाय हाय क्या बात है आपकी स्माइल, ये शादी वाली खुशी है। अगली गेंद लेकर बहुत ही शानदार शॉट सौरभ रैना द्वारा, द लास्ट बॉल ऑफ दिस टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट का अंतिम मैच, अंतिम बॉल, माफ कीजिए। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जाने के तो खेल दिया ना रहे। और इसी प्रकार मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी में तेरा इश्क मैं फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल गए खून कहे। बहुत ही शानदार खेल देखने को मिला डोगरा इलेवन का। डोगरा इलेवन ने इस मैच को 58 रनों के साथ चल 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 कर देखना कर। डोगरा इलेवन जमा
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਲ ਪਲੇਡ, ਵੈਲ ਪਲੇਡ, ਵੈਲ ਪਲੇਡ, ਵੈਲ ਪਲੇਡ ਸਰ, ਸਰ ਹੈਲੋ ਕੀਜੀਏ, ਵੈਲ ਪਲੇਡ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡਿਆ, ਵਿਸ਼ੂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, सभी बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे और दोनों टीमों के खिलाड़ी कैप्टन से वो भी यहाँ आ जाएंगे, बैठ जाएंगे और दोनों टीमों के लिए जोर से क्लैपिंग कर दें। हार जीत सबकी होती है लेकिन भारत माता की जय।